हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हर्षद नान और मैं हूँ असद, एंड दिस इज डैब बॉयज डैब रिएक्शन। और असद ही बताएंगे कि आज हम किस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले आज हैं। आज है शाहिद खान वर्सेस मुकेश अंबानी, हु इज द रिचेस्ट। शाहिद खान पाकिस्तानी, शाहिद खान तो पाकिस्तानी, मुकेश अंबानी शायद जियो वाला है। जियो वाला, हाँ, जियो जिसने लॉन्च किया, जियो वाला है, जियो न्यूज़। इतना ही हम जानते हैं मुकेश अंबानी के बारे में, और चेक करते हैं कि क्या चेक सीन करते है, सीन क्या है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर आपने डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो का लिंक है, जाके ये वीडियो उधर भी देखो और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो फौरन। और प्ले करते हैं, 3, 2, 1 प्ले। दोस्तों, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ सबसे अमीर पाकिस्तानी शाहिद खान वर्सेस हिंदुस्तान की शान मुकेश अंबानी। दोस्तों, मैंने कितने सारे कमेंट्स पढ़े अपनी वीडियो के अंदर, आप लोग मुझे कितनी बार कह चुके हो कि मुकेश अंबानी वर्सेस शाहिद खान आप वीडियो बनाओ, दोनों को कंपेयर करो एंड हमें बताओ कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज आपको पता चलने वाला है उसका जवाब। तो गाइज, मैं चाहता हूँ आप जितना भी हो सके ये वाली वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, जहाँ पर भी हो, एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम, आप लोग देख रहे हो रेसल इंडिया। चलिए गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक होते हैं अमीर लोग, फिर आते हैं बहुत ही अमीर लोग, बहुत ही कम लोग फिर उसके बाद आते हैं जो कि होते हैं हद से ज्यादा अमीर लोग। जी गाइज, ये दोनों उसी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इन दोनों की थोड़ी फैक्ट्स वगैरह बताने वाला हूँ, देन मैं करने वाला इन दोनों को कंपेयर। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शाहिद खान से, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग नहीं जानते हो कि वो कौन है। तो पहले हम लोग करते हैं शाहिद खान के बारे में बात। तो शाहिद खान है अमेरिकन पाकिस्तानी बिलियनर जिनका की जन्म July 18, 1950 के अंदर हुआ था लाहौर पाकिस्तान में। तो गाइस, शाहिद खान इतने अमीर परिवार से बिलोंग नहीं करते थे। तो गाइस, 1991 के अंदर उनको सिटीजनशिप मिल गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो यहाँ पे ये जॉब किया करते थे बर्तनों की, यहाँ पे बर्तन धोया करते थे, एंड इनको सिर्फ 70 रुपए मिलते थे घंटे के, जो कि गाइस होते थे बहुत ही ज्यादा कम। एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करी, एंड उसके बाद ये कार बम्पर्स के बिजनेस में जुड़ गए। तो गाइस, इनका भाग खुल गया एंड इनको मिल गया बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टोयोटा की तरफ से, एंड ये बनाया करते थे बम्पर्स जो कि होते हैं कार्स के, टोयोटा के लिए। उसके बाद शाहिद खान ने बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया। 2011 के अंदर इन्होंने जैक्सनविल जैगुआर जो कि एनएफएल की टीम है, वो उन्होंने $750 मिलियन के अंदर खरीद ली। उसके बाद गाइस, 2013 के अंदर इन्होंने फुलहैम फुटबॉल क्लब जो कि है इंग्लिश प्रीमियर लीग का, इन्होंने खरीद लिया £200 मिलियन के अंदर। एंड गाइस, अब तो आप जानते ही हो कि ये AEW जो कि है ऑल एलिट रेसलिंग के ये असली ओनर है, जो कि फाइनेंशियल बैकअप मिली हुई है AEW को, वो मिली हुई है शाहिद खान से। एंड गाइस, शाहिद खान की एक सुपर यार्ड भी है जो कि है $250 मिलियन की, जिसका की नाम है किस्मत। एंड गाइस, अब शाहिद खान एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम ओन करने की कोशिश करे जिसका की नाम है वेम्बली स्टेडियम, जो कि वो खरीदना चाहते हैं £800 मिलियन के अंदर। एंड गाइस, अभी तक यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, इनकी नेटवर्थ है $7 बिलियन की। एंड गाइस, ये बन चुके हैं सबसे अमीर पाकिस्तानियों में से एक। तो दोस्तों, ये तो थी शाहिद खान के ऊपर बात, अब हम लोग करते हैं मुकेश अंबानी के बारे में बात। तो गाइस, मुकेश अंबानी का जन्म हुआ था 19 अप्रैल 1957 के अंदर। एंड गाइस, ये पैदा हुए थे आदिन यामीन के अंदर, जो कि एक सऊदी अरेबिया में एक जगह है। एंड गाइस, अगर मैं आपको थोड़े से क्विक फैक्ट्स बताऊं, तो मुकेश अंबानी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हुआ था। एंड गाइस, ये स्टार्टिंग से इतने अमीर नहीं थे, सेम शाहिद खान जैसी स्टोरी है कि शाहिद खान भी स्टार्टिंग में इतना अमीर नहीं थे। एंड गाइस, मुकेश अंबानी बचपन से ही एक बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स के फैन थे। इन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में, ये सुनने में आया दोस्तों, कि इन्होंने आज तक एल्कोहल को टच नहीं किया है, एंड ये प्योर वेजिटेरियन है। एंड गाइस, ये यंग उम्र से ही इन्होंने धीरूभाई अंबानी, जो कि लेट मिस्टर धीरूभाई अंबानी है जो कि इनके फादर थे, तो गाइस मुकेश अंबानी अपने टीनेजर ईयर्स के अंदर उन्होंने अपने फादर का हाथ बिठाया बिजनेस के अंदर। तो गाइस, धीरूभाई अंबानी ने 1980 के अंदर मुकेश अंबानी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस बुला लिया एंड उनको डिसकंटिन्यू करवा दी उनकी एमबीए की डिग्री, क्योंकि गाइस धीरूभाई अंबानी का मानना था कि जो क्लासरूम की पढ़ाई होती वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितने की ज्यादा एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के अंदर। तो जब मिस्टर धीरूभाई अंबानी की डेथ हो चुकी थी, तो मुकेश अंबानी इतना सक्सेसफुल हो चुके थे, वो इतना काबिल हो चुके थे कि उन्होंने रिलायंस कंपनी उन्होंने संभाल ली थी। एंड गाइस, वो इस टाइम पे है लार्जेस्ट शेयर होल्डर रिलायंस लिमिटेड कंपनी के। एंड दोस्तों, मुकेश अंबानी का भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स के अंदर, एंड वो इस टाइम पे है ओनर मुंबई इंडियंस के अंदर, जो कि है IPL की एक टीम। एंड गाइस, उन्होंने रिलायंस जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी उसको और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर लेके गए। एंड गाइस, मुकेश अंबानी ने 2016 के अंदर जियो लॉन्च किया एंड इंडिया को दिया सबसे तेज इंटरनेट बहुत ही ज्यादा सस्ते के अंदर, एंड उसके बाद उनके बाग खुल गए एंड वो बन चुके थे बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान, जो कि वो पहले से ही थे। एंड गाइस, अगर मैं आपको थोड़े और फैक्ट्स बताऊं, अगर मैं आपको इनकी दौलत के बारे में बताऊं, तो गाइस 7 जन्म निकल जाएंगे पर हम इनकी दौलत काउंट भी नहीं कर पाएंगे। पर गाइस, अगर मैं आपको थोड़े बहुत और फैक्ट्स बताऊं,
तो गाइस इनकी है लार्जेस्ट रिफाइनरी एंड गाइस इनकी रैंक है 32 मोस्ट पावरफुल इंसानों में से एक, 19th richest पर्सन है इस दुनिया के अंदर एंड गाइस नंबर 1 है इस दुनिया के अंदर richest इंडियन एंड गाइस इनकी नेटवर्थ है 50 बिलियन डॉलर्स की। तो गाइस अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो सीधी सी बात है आपके सामने, शाहिद खान की 7 बिलियन डॉलर की और इनकी है 50 बिलियन डॉलर की। तो गाइस कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता इन दोनों की जो नेटवर्थ, तो आप लोग जानते हो कि कौन ज़्यादा अमीर है। पर गाइस इस वीडियो का मैसेज ये नहीं था कि कौन ज़्यादा अमीर है, पर इस वीडियो का मैसेज था कि ये दोनों आदमियों का जन्म हुआ था एक बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिलियों के अंदर से एंड ये दोनों थे सेल्फ मेड बिलियनर। इन दोनों का कोई भी एक्सक्यूज नहीं था, ये सिर्फ करते थे सिंपल हार्डवर्क एंड वो अब जाके इतने इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो गाइस अगर हम लोगों को कुछ सीखना ही है इस वीडियो से तो हमको ये सीखना चाहिए कि अगर हम लोग हार्डवर्क कंसिस्टेंसी से अगर काम करें तो इस दुनिया के अंदर हम लोग कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। एंड गाइस ये वाली वीडियो थी एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो इन दोनों के ऊपर एंड गाइस मैं इन दोनों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एंड मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि एक बंदा ऊपर है और एक बंदा नीचे है। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए रेसल इंडिया को एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप चाहते हो कि मुकेश अंबानी भी कोई अपनी रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन खोले एंड कम्पीट करे AEW के साथ। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा फनी रहेगा। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर एंड पीस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कमाल की वीडियो थी, ठीक है। स्ट्रगल देखो, स्ट्रगल यार देखो दोनों का स्टार्ट कहाँ से हुआ। मिडिल क्लास और ये देखें स्पोर्ट में बहुत पैसा है। स्पोर्ट स्पोर्ट की टीम, ये बात तो है। स्पोर्ट की टीम दोनों में एक ही चीज कॉमन, स्पोर्ट। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसी में इंटरेस्ट हो यार, आप हार्ड वर्क करो, आप किसी भी काम में हो सकते हो यार। इसमें वो वाली बात ही नहीं कि भाई वो स्पोर्ट्स की, उनका इंटरेस्ट था मेन बात ये, उनका इंटरेस्ट था। आप ज़बरदस्ती बनाओगे फ़ायदा नहीं। तो यार हार्ड वर्क होना चाहिए। वैसे मैं अपनी बात करूँ यार, बर्तन धोता था बर्तन नहीं, अगर मैं अपनी बात करूँ हार्ड वर्क नहीं हूँ भाई मैं, आराम हूँ थोड़ा बहुत, झूठ नहीं बोलूँगा जो है सीरियस सच है। तो असद भाई भी पिछले दिनों थे लेकिन अब माशाल्लाह से थोड़ा बहुत बेहतरी है असद भाई की, क्योंकि पढ़ाई उनकी थोड़ी ऑफ हो गई थी और दोबारा फ़ोन कर रहे हैं। तो उससे वैसे एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि पढ़ाई छोड़ के जो का मजा एक्सपीरियंस में आ रहा है वो पढ़ाई में नहीं है, वो पढ़ाई से नहीं है। आप पढ़ने के बाद भी आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए होगा। हाँ, आपने पढ़ने से हल्का फुल्का आपको पता चलेगा कि इसमें या पढ़ने से कुछ नहीं होता यार, नहीं होता कोई एक्सपीरियंस होता है लेकिन पढ़ाई से बस डिग्री है, डिग्री तो है लेकिन पता भी तो है ना कि यार इतना पढ़ा हुआ है यहाँ तक, उसकी रिस्पेक्ट भी होती है उस चीज से, ठीक है। डिग्री मिलती है। अब ये तो है नहीं कि आपने 10th तक पढ़ा और उसके बाद गायब गायब, लेकिन आप एंड में तो यही लोग बोलेंगे ना यार देखो यार 10th तक पढ़ा देखो। लेकिन आजकल ये मिसालें बहुत ज़्यादा हो गई कि यार देखो उसने पढ़ाई कम थी उसकी लेकिन स्ट्रगल अच्छी थी उसने, अपने काम को मतलब इतना हार्ड वर्क था, वो काम को इतना बढ़ाया। हमारे यहाँ पर भी मैंने काफ़ी मिसालें हम सुनते आते हैं यार अपने पिताजी से, ऐसा बोलते हैं ना बेटा कुछ सीखो उससे, देखो 10 क्लासें भी नहीं पढ़ी यार देखो उसने और अब देखो क्या हो रहा है। तो एग्जांपल आपको मिसालें बहुत मिलेंगी। तुझे बोलना चाहिए था आप भी मुझे 10 तक पढ़ाते बस। मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया तो अभी भी स्टडी कर रहा हूँ ऐसे मैम, तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर सारा फोकस आपके साथ जो हमारी फैमिली बनी हुई है यूट्यूब, इंशाल्लाह इनके साथ काम करेंगे हम, आपको और हंसाएंगे आगे आने वाले दिनों में अपना कंटेंट लाके। बिल्कुल, लेकिन आपका इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए। बस सपोर्ट क्या बोल रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपके दिल में कोई भी सवाल हो कुछ भी हो आप कमेंट बताएं कैसी लगी वीडियो और क्या। और कुछ दिनों में वैसे भी हम Q&A अनाउंस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, Q&A होगा तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम तो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, उम्मीद है अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और उसी हिसाब से हम आगे बहुत मेहनत करने वाले हैं। और मुकेश अंबानी तो जियो फ्री में हमें और काफ़ी लोग हैं जिनके दिमाग में कि यार हम लोग कुछ दिन आते हैं गायब हो जाते हैं फिर आते हैं, तो उनके लिए ये है कि भाई स्ट्रगल अभी कर रहे हैं, स्टार्टिंग है हमारी, तो स्टडी भी कर रहे हैं साथ हम। आप सब्सक्राइब करें देखिए कैसे आते हैं हमें, आपकी सपोर्ट जितनी आएगी ना बोलेंगे यार छोड़ो यार उसे, अब आप हमारी फैमिली हो, अब आप स्पेशल हो, आपके लिए छोड़ो स्टडी वगैरह यार, ज़्यादा जो लड़कियों में लगा रहता है। नहीं यार ऐसा बंदा नहीं होगा, ये मेरे पे इल्ज़ाम है, लेकिन जो भी है आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आपके सपोर्ट अच्छा होगा तो इंशाल्लाह आगे अपना कंटेंट होगा, हर चीज़ अपनी होगी, आप मेहनत ही मेहनत होगी। अब इस टाइम उलझन है थोड़ा, काम पे भी हमारा ध्यान है, स्टडी अलग है और फिर रात को थोड़े थके हुए आते हैं और इस टाइम टाइम भी आपको बताएंगे तो आप बोलेंगे यार इस टाइम हम
अभी हम पता है किस टाइम शूट कर रहे हैं, अभी हम शूट कर रहे हैं, 1 बज रहा है, 1 बजने में सिर्फ रात का 6 मिनट 1 बजने में और रात का एक है स्ट्रगल। अब इसके लिए भी हम थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब सुबह में सब्सक्राइब यार कर दो, 1 बजे और कम से कम हमें 2-3 बजेंगे सोते और सुबह उठना 6 बजे जाना है, तो इसलिए थोड़ा बहुत बीच में गैप हो जाता है काफ़ी, ये हमें पता है। तो इंशाल्लाह आप सपोर्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको इसका रिस्पॉन्स भी देंगे, ठीक है। और हार्ड वर्क होना चाहिए, मैं कम हूँ मुझे पता है, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी, 1 साल तक मेरा जो है ना, मतलब मैंने स्टडी छोड़ दी थी, काम में भी मेरा काम ध्यान था, सिर्फ मेरा हेल्थ का था कि भाई अपनी तबीयत सेट करो, इसलिए फैल गया ये जिसमें मेरा बैठ बैठ के नहीं, वाकई में जिसमें बैठ बैठ के मेरा फैल गया है, ठीक है। मतलब काम जिम लेके जाना है इसका, थोड़ी चर्बी कम करने के लिए। ना काम करता था मैं कुछ, क्योंकि मसला ऐसा था, ठीक है, बैठ रहा बस खाने अजीबोगरीब खाओ, थोड़ा बीमार वाले, ठीक है। तो अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ, और स्ट्रगल अब करनी है, वो भी आपकी सपोर्ट आएगी बहुत अच्छी, मुझे बुरी उम्मीद है कि आप ये सुनने के बाद तो सब्सक्राइब कर दोगे आदमी, और आपकी रिस्पॉन्स आएगा, आपकी सपोर्ट आएगी, हमारी फैमिली जितनी बड़ी होगी उतना हम नया कंटेंट लाएंगे, अपनी नई चीज़ें लाएंगे, सिर्फ हम रिएक्शन नहीं और चीज़ों पे हमारा माइंड है, जो इस चीज़ पे हम एक्सपर्ट हैं, जो हम चाहते हैं कि यार हमें ये करना मैं है। मैं पढ़ रहा हूँ फिल्म मेकिंग, तो मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, तो और मैं अभी तो बीकॉम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने किसी और मकसद से कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको आगे बहुत इंटरटेन करने वाले हैं, बहुत सब्सक्राइब करो ताकि मेन ट्रैक पे आऊँ, मेन ट्रैक पे अभी सिर्फ आपसे ये एक फैमिली बना रहे हैं हम, ठीक है, और आगे हमें इससे सपोर्ट अच्छी मिलेगी तो आगे हमारी फैमिली स्ट्रांग होगी, आगे हमें आपको तो पता है, तो इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम आगे और ताकि मैं फिल्म मेकिंग की तरह, ताकि हमारी मेहनत ज़ाया ना हो, क्योंकि हम सुबह से उठ के रात को 3 बजे तक सिर्फ काम कर रहे होते हैं, तो मेहनत ज़ाया ना हो, आप रिस्पॉन्स करें, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है, अपना खास ख्याल ख्याल रखिएगा, जो अल्फाज भी मेरे अजीब निकल रहे, ठीक है, अपना खास ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, डैब बॉयज़, डैब।